भाई बाहर तो हो रही है बारिश हल्की हल्की, और वेदर बड़ा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर हो रखा है। हम सुंदर सुंदर लग रहे हैं भाई ऐसे कैमरे में अच्छे तरीके से। बाकी अभी हम जाएंगे, हमें लेना है माइक और एक स्प्लिटर केबल, क्योंकि हम एक कैमरे के अंदर दो माइक अटैच करने हैं, तो स्प्लिट केबल लेके फिर दोनों माइक अटैच कर देंगे, तो काम क्या है कि अपना निकल जाएगा, सस्ता सुंदर जुगाड़ हो जाएगा। और एक टाइम के बाद में फिर क्या किया अपन प्रॉपर पॉडकास्ट वाले माइक वाइक ले लेंगे, सब वो सेटअप बढ़िया हो जाएगा। और बाकी तो भाइयों अभी टाइम ज़्यादा कुछ हुआ अभी हुआ नहीं है, शायद 4:30 बजे, और 4:30 बजे ही देख लो आप सर्दी के टाइम पे यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है। एक खुला दीवार तो नहीं मैं कहाँ दिला हूँ, गूगल मार्ट आए हैं, गूगल मार्ट में भाई सब कुछ मिल रहा है भाई, सब कुछ फर्नीचर, आपको दवाई चाहिए वो भी मिल जाएगी भाई, किताबें भी मिल जाएंगी भाई, आईफोन भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ। भैया उधर बोला पीछे की तरफ, माइक ही पूछा था मैं, यहाँ पे बंदा खड़ा था उससे कि भाई माइक वाइक कहाँ पे मिलेगा, पता नहीं कुछ फोटो वोटो का नाम लेके इंग्लिश में भारी शब्द बोला था, तो मेरे इतना समझ में आया उधर जाना है पीछे। भाई वॉलमार्ट से लेने का हमने प्लान तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आइटम तो हमें मिल जाते पर वो ये क्वालिटी वाइज इतने ऑप्शंस नहीं थे, वैरायटी नहीं थी देखने के लिए भाई कैसा क्या देखे। तो वहाँ पे जो एक वर्कर काम करते थे उन्होंने हमें बताया कि आप या स्टेपल्स पे देखना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाहर आ गया हमने चेक किया तो स्टेपल्स अभी बंद था, सो हम करेंगे ये कि हम कल सुबह जाएंगे स्टेपल्स पे और वहाँ से हम फिर माइक्रोफोन वगैरह देखते हैं कौन सा हमें लेना है। बाकी तो जा रहे हैं अभी वापस घर पर। हाँ जी, तो घर पर हम वापस आ चुके हैं और अभी मैं चाय बना रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला कि भाई साहब चाय पी के जाइए फिर आप, उसके बाद में मिलेंगे। मिर्ची कितनी करूँ भाई साहब? मिर्ची नहीं लेते क्या? भाई हम तो भाई घर में सब मिर्ची लेते हैं, कितनी करूँ फिर भी आज थोड़ी। सीरियस ले लिया यार भैया ने मेरे को। नहीं भैया मिर्ची वर्ची हम भी नहीं पीते, चिंता मत करो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि क्या रिस्पॉन्स चेक कर रहा था आपका मैं। तो यार विकास भैया तो अभी जा चुके हैं, उसके बाद में हमने बातें बातें मारी, कुछ आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज किए, मतलब बढ़िया था। फिर से मैं कहूँगा कि मज़ा आया यार, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ बढ़िया मज़ा आता है। बातें बातें की उसके बाद में हम क्या है कि आज हमें चेंज कराना है दोस्तों, जो कि हम भूल चुके हैं, जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हमारे पंकज भाई हैं वो अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं, हम यहाँ पे घर पे अकेले हैं, तो हम अपना भाई शूट कर रहे थे पीछे एक शॉर्ट वीडियो जो कि विकास भाई के चैनल पर आएंगे, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी तरफ भाई हमारा सामान सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है, मतलब बिखरा तो नहीं, बहुत मेहनत से मैंने अरेंज किया इसको, मैं बिखरा हुआ नहीं बोलूँगा पीछे की तरफ, बट मेरा सारा लगेज पड़ा है। और बेड चेक करो भाई क्या हाल है भाई के, बेड बिखरा हुआ है पूरे तरीके से, छोटा मोटा सामान हो रहा है इसको और पैक करना है, ये सब पैक करने के बाद में बस भाई निकल लेना है अपन को, दो गेड़े लगेंगे, एक गेड़े में तो सारा सामान जाएगा नहीं, बाकी सब ठीक है भाई। टीवी आ गया अपने पास में, ये वाला भी चेक कर लो एक बार, ठीक है एकदम सच सच भाई, एकदम सच सच बात होता दो। तो भाई ये जैकेट मेरी नहीं है बस, पर अच्छी लग रही है यार, और मैंने पहन रखी है तो ये मेरी हो गई बस। ले यू भी ले ले, अपने ही है यू ले ले, अपने हाँ पक्का पक्का अपना, पता नहीं किसका। हाँ तो भाई मैं कह रहा था कि यार अपना रूम देखो खाली हो गया, ये कनाडा में हमारा जीवन का दूसरा कमरा था, बढ़िया थी पर यार ये पंकज पेशेंट आई, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, अपना निखिल भाई आता एक रात को आराम से, पर्सनल सा हो गया था, वो एक भाई रहते हैं वो उधर, उनका अलग ही सिस्टम था, वो ही नहीं आना, किचन वगैरह भी बढ़िया सुंदर थी अपने हिसाब से यूज़ वगैरह करने, बढ़िया थी यार। चलो भाई ठीक है चलते हैं, टड़ा गाइस बाय बाय। भाई सारा सामान एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ छोटा नहीं है अपना, बाकी मेरे हिसाब से तो भाई सब कुछ आ गया है, प्रॉपर रूम खाली है भाई, कुछ भी नहीं बचा, पीछे की तरफ दिख रहा होगा आपको सारा खाली है। और यहाँ से भाई अपन ने सब कुछ ले लिया अपना जो भी रखा था, किचन एकदम खाली कर दिया है, क्लीन एकदम खाली भी कर दिया, क्लीन भी कर दिया भाई। इंडिया में जैसे कि हमारे घर पे काफ़ी बार किराएदार रहते थे ना, तो वहाँ पर होता था कि आते टाइम पे हम साफ़ करवा देते थे कमरे वगैरह, सब कुछ साफ़ करवा देते थे अच्छे से, तो फिर वो मूव इन करते, फिर जाते थे तब भाई पूरा गंदा छोड़ जाते थे जो भी बचा है, तो फिर वो हमें फिर से साफ़ करवाना पड़ता था। बट यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो मैं खुद किराए पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि भाई आपको सब कुछ साफ साफ मिलेगा, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और फिर जैसे ही आप मूव आउट करोगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा आपको मिला था उसी कंडीशन में छोड़े जाना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी वजह से हमने प्रॉपर किचन वगैरह और हमारा जो रूम था वो क्लीन कर दिया है। सो भाई पंकज भाई राम राम है। तो भाई पंकज भाई के साथ में अभी अपनी मसाला दानी लेके जानी बहुत जरूरी है भाई, मैंने साइड में निकाल के रख रखी थी, क्योंकि अगर इसको डांट ले और एक बार
तो इसको अगर क्या है कि किसी बैग के अंदर डाल दिया ना तो फिर ये गड़बड़ कर देती है, मसाले वगैरह सारे मिक्स हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसको निकाल के साइड में रख दी थी। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद, गेट तो खोल जब ही तो चलेंगे। हाँ अच्छा चल लेता हूँ दुआओं में याद रखना। हाथ में पतीले और ये अपना पेन वगैरह उठा के घूमते रहो भाई, यही जीवन है यार। ठीक है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने सेंटा चाचा भाई अभी भी खड़े हैं नई साल वाले दिन, अपने हाथ में तवा आप कहो तो इनके सर पे मार के बैठा दें इनको, पर कहना मत आप। बाकी अभी हम जा रहे हैं, ठीक है चलो मिलते हैं हम आपको पहुंच के नए घर में। सो भाई नए घर में मूव हो चुके हैं फाइनली, मतलब कि हम आए उसके बाद में हमने सारा सामान वगैरह सेटअप किया, और यहाँ पे जो बंदे रहते हैं ना पहले से तो वो तो अभी गए हैं टोरंटो डाउनटाउन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे पास भाई कुछ साधन ही था जाने के लिए, बस में जाऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रुकता हूँ। पंकज भाई को मतलब मैंने बोला कि भाई चलते हैं, तो पंकज भाई अपना यू नो थोड़ा सा आलसी आदमी है तो बोला भाई यहीं पे रुकते हैं, और अभी टाइम हो रहा है कनाडा की 11:59। नई अपडेट भाई, फ़ोन मेरा गिर गया, देखो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी कैसी हो गई है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ 12 बजे, जो जो लोग देख रहे हैं एकदम करेक्ट 12 बजे विश करूँगा सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई इंतज़ार थोड़ा सा बस 12 बजे तक का। और भाई आईफोन भी लेंगे, अब लेंगे भाई, लेना पड़ेगा। मतलब पहले तो मैं सोचा था कि वेट करता हूँ थोड़ा सा आराम से, बाद में लेते हैं, बट अभी देखो फ़ोन की ये हालत हो गई तो उसकी वजह से कल या परसों मैं पता करूँ। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और भाई बड़ी सुखी सुखी यार, कितने सारे लोग पता नहीं यहाँ पे अपोजिट काउंटडाउन के साथ में हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे होंगे, पर भाई ठीक है यार, इस साल मेरी हैप्पी न्यू ईयर ऐसी थी बिल्कुल घर में नॉर्मल सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। एंड लेट्स सी नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अलग होगा, कहीं ना कहीं और होंगे, बट भाई अभी की तो यही जिंदगी है यार, इसी बेसमेंट से हैप्पी न्यू ईयर, टूटे हुए फ़ोन से हैप्पी न्यू ईयर, जॉब नहीं मिला यार, जॉब भी ढूंढना है, तो भाई बेरोजगारी से भी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तो मैं घर दिखा रहा था भाई, पंकज पहले तो एक बार घर पे बात कर रहा था, तो मैं वेट कर रहा था फटाफट से बातें पूरी हो जाए, और हम कमरे के अंदर आके थोड़ा आपसे गुफ्तगू कर चुके। पंकज भाई नई साल की राम राम है। राम राम भाई, राम राम। तो भाई पंकज की भाई की तरफ से सबको नई साल की राम राम और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा रूम चेक कर लो, पहले वाले से बड़ा है और स्पेशियस है, $50 महंगा है ये भी बता देता हूँ मैं। पीछे की तरफ भाई शीशा भी लगा हुआ है इस घर में, और अपना भाई टीवी वगैरह भी ले आए हैं, तो ये सब चीज़ें। मैं और पंकज भाई तो अभी बस मैं एडिट करूँगा, और पंकज भाई अपने फ़ोन चलाएंगे, थोड़ा टीवी वगैरह देखेंगे। करते भाई टाटा बाय बाय। करते भाई ओके, टाटा बाय बाय, साइनिंग आउट फ्रॉम टोरंटो कनाडा। और नई साल पे भाई देख लो, मैं तो उसको बोला था घूमने चलते हैं, बैठे अभी बैठे चलो भाई।